नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से बारंबार विनती करते हैं कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही आवश्यक है, बेहद ही खास वीडियो है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक दिव्य शक्ति आप सभी के आसपास घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आखिर क्यों आप सभी के आसपास घूम रही है और ये आपसे क्या चाहती है? आपको यह शक्ति किस रूप में मिलने वाली है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके आसपास होने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान आप सभी को हो सकता है। और दोस्तों, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन भी ला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इन्हीं के बारे में विस्तार से बताएंगे। कुछ ऐसे विशेष और महाशक्तिशाली उपायों के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं, जिनको आप यदि अपने जीवन काल में आजमा लेते हैं तो दोस्तों, सिर्फ मात्र 5 ही दिनों में आपको इस दिव्य शक्ति के बहुत ही बड़े लाभ आप ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह बात कैसे पता चलेगा कि यह दिव्य शक्ति कौन है और आपके जीवन में इसका क्या क्या कार्य है, इसका प्रवेश आपके जीवन काल में कैसे हुआ है और कब हो गया है। दोस्तों, यह सब जानना आप सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो बात आप सभी को पता नहीं है दोस्तों, उनके बारे में आप ज़्यादा तक कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बात जो संकेत आप सभी को मिल रहे हैं, इन्हें अगर आप जान जाएंगे तो दोस्तों आपको खुद पर ज़रूर ही विश्वास होगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों हम आप सभी को यह बात बता दें, कितना गुणी और इतना गहन ज्ञान दोस्तों कोई आपको नहीं बताएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम आप सभी को यह बात भी बताएंगे, कुछ ऐसी सावधानी आप सभी को हम बताने वाले हैं जो कि अगले 5 दिनों तक आपको अपने जीवनकाल में बना कर रखना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय जो आपको करने हैं और आपका जीवन चमत्कारिक तौर पर बदल जाएगा, जो भी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों, वैसी घटना आप सभी के जीवन काल में होना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अद्भुत मन चाहे बदलाव होने वाले हैं। जो कार्य असक्षम थे उनमें आप सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, बस हमारा शर्त इतना है कि आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ भी बातें समझ में नहीं आने वाले हैं, और दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान बेहद ही खतरनाक भी होता है। यह बात तो आपने बहुत सारे वीडियो में सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हम आप सभी को देने वाले हैं, जो कि आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा सुख का कारक बनेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे जो आज की ग्रह दशा है, इसके अनुसार ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो कि आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, उन कार्यों से आपको करने से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसे अनजाने में कोई भी कार्य को करते रहेंगे, गलतियों को करते रहेंगे, तो दोस्तों आगे चलकर आपको भारी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, आपके जीवनकाल में कई सारे नुकसान तो अभी भी होते होंगे, बस आपको पता नहीं चल रहा है कि यह नुकसान आपके कौन से गलती से हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप सभी से बस इतना निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएँ हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी अवश्य ही पूरे करेंगे। बस आपके सच्चे श्रद्धा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो समय चल रहा है, इसके अनुसार आपको हमें यह बात बता दें कि आपके जीवन के बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए। ऐसे में आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके मन को थोड़ा सा चंचलता की ओर बढ़ते हुए आप देख पाएंगे। और दोस्तों, आपके कार्यों से आपका मन थोड़ा सा हटे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ध्यान हटाने पर यह होगा कि आप अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, अपने मन के
जो भी विचार आपके अंदर आएंगे उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, मन के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपके कार्य बहुत सारे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। यह समय आपके मन में कई तरह के अनेक अनेक विचार आएंगे, आपका मन थोड़ा सा चंचलता की ओर जाएगा और आपके कार्यों से आपका मन थोड़ा सा हटेगा। आपका ध्यान हटाने पर यह होगा कि आप अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें। आपके मन में विचार आएंगे, उन पर पाबंदी लगाने की आप कोशिश करें, अपनी एकाग्रता को बिल्कुल भी ना खोएं। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर जो आपके विरोधी है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनकी किसी न किसी बात को लेकर आलोचना होगी, बेइज्जती होगी और शायद उन्होंने आपके लिए ही कोई षड्यंत्र रचा होगा जिसमें वह खुद ही फंस गए हैं। इसकी वजह से इसकी सजा उन्हें प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आपका आभारी रहेगा और विरोधी आपके आपसे परास्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब यदि आपके पारिवारिक जीवन की और आपके प्रेमी और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि आपको समर्पण दिखाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अपने प्रेमी या फिर अपने जीवन साथी की बात को ध्यान से सुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो समय है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और आपको उनके विचारों पर ध्यान रखते हुए ऐसा वर्ताव आप उनके साथ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आपके जीवन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, अन्यथा आप व्यस्त के झगड़े में फंस सकते हैं, व्यर्थ के विवाद में आप फंस सकते हैं और इनसे आपके मन में भी बेचैनी हो जाएंगे। अब आपके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, इसलिए दोस्तों आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। खासतौर पर अपने व्यवसायिक स्थल पर किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अनुबंध को करने से पहले पेपर को, कागज़ को आपको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेना है। जी दोस्तों, लापरवाही बिल्कुल भी न दिखाएं और हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। और एक बात हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, आप जिन लोगों की मदद किए हैं और जिनके लिए आप तुरंत तैयार हो गए हैं, दोस्तों वही लोग मौका पड़ने पर आपको धोखा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और देंगे ही, इसी वजह से आपका मन खिन्न हो जाएगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में ये घटना आपके जीवनकाल में घटित होगी। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि इसी इंसान से आपको बड़ा ही धोखा मिलने वाला है जिस पर आपका पूर्ण विश्वास था। जी हाँ दोस्तों, और हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि जिस इंसान की आपने भरपूर मदद की थी, जी हाँ दोस्तों, वही इंसान यश में आपको बड़ा धोखा देने वाला है और कुछ ऐसे बुरी मुसीबत में आपको डालने वाला है जो दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी को बता दें कि यश में धोखेबाजों की पहचान करना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, अन्यथा दोस्तों आप दुखी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने की पूरी कोशिश करनी है कि दोस्तों, यदि आप अपने वाणी पर ज़रूरत से ज़्यादा संयम नहीं रखेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिन मतलब के कार्यों में आप उलझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपकी वाणी की वजह से लोग आपके ऊपर आरोप भी लगा देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को उछालने के लिए, आपके मान सम्मान को खराब करने के लिए लोग यश में जान जी तक लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों व्यर्थ के वाद विवाद और झगड़े में बिल्कुल ना पड़ें जिसकी वजह से आपकी जो मान सम्मान है उनमें खटास आ सकती है, मान सम्मान में ठेस पहुंच सकता है। इससे बेहतर यह होगा दोस्तों आप लोगों से कम बात करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें, खासतौर से अपने कार्यस्थल पर और अपने व्यापारिक स्थल पर आपको यही स्थिति बनाकर रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि हम आप सभी को बता दें कि आपकी संपत्ति के साथ कोई विवाद चल रहा है, कोई मामला ऐसा था जो अब तक अटका पड़ा था, तो दोस्तों उस मामले में गति आ जाएगी और यदि कोई विवाद है तो वह विवाद समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले जो 3 से 4 दिनों का समय है दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, यश में आपको विजय प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों, यह महत्वपूर्ण समय में हम आप सभी को बता दें कि आने वाले जो समय हैं
किसी भी प्रकार की नई व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 से 5 दिनों तक यह दोस्तों आपको अपने ध्यान में बात को रखना है। अगर आप मन बना रहे हैं तो दोस्तों कुछ समय के लिए आप रुक जाएं, जब परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल हो जाए तब आप नए व्यापार की जो है आधारशीलता को रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आप अपने व्यापारिक स्थल पर कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे तो दोस्तों अभी के लिए आप रुक जाएं, ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। अभी आपको अपने जीवन की अवस्थाओं को सही करने की ज़रूरत है और अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में अभी उथल पुथल का माहौल चल रहा है। अभी वातावरण कुछ इस प्रकार का है, परिस्थितियाँ कभी कभी आप भी संभाल नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कई बार बात हद से भी पार हो जाता है और जो आपके जीवनकाल में कष्ट आते हैं वे आपके जीवनकाल में आंसुओं को छोड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए समय को आपको अभी समझना है और इन सभी कार्यों को रोक कर रखना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आपको अधिक से अधिक ऊर्जावान रहना है, सकारात्मक रहना है और पूरी शक्ति के साथ हर एक मामलों को अपने जीवन में जो चल रहा है, चाहे वो आपके रिश्तों को लेकर हो, आपके व्यापार को लेकर हो, पेशियों को लेकर हो, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर हो, या फिर दोस्तों चाहे आपके घर संबंधी किसी भी प्रकार का वाद विवाद को लेकर हो, हर मामले में आपको गंभीरता से कार्य लेना है। हर मामले में गंभीरता से आपको विचार करना है, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जरा सी भी लापरवाही दिखाई और आपका संतुलन खो गया तो दोस्तों आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। आपकी एक बड़ी गलती आपको बड़ा ही नुकसान अंत में देगा, जिसे आप कहीं पर किसी को बता भी नहीं सकते कि ये गलती आप ही की थी और इसके कारण आपको इतना बड़ा सजा मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपके ऊपर लांछन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लोग आपके ऊपर आरोप लगा देंगे और आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको ही दोषी बना दिया जाएगा। एक और बात हम आप सभी को बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आप धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा। धर्म और ईश्वर में आपकी आस्था गहरी होगी। हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका भी मिले, चाहे नज़दीकी हो या फिर दूर दराज की हो, लेकिन आपको मौका अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि अगर आपको ये मौका प्राप्त होगा तो आपको निश्चित तौर पर जाना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिनको सभी ने ठुकरा दिया होता है उनसे ईश्वर ही अपनाते हैं, ईश्वर ही उनको रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही खास है, यश में आपको ईश्वर का भी स्मरण करना चाहिए। दोस्तों हम आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि आपके जीवन में सदगति की उन्नति की शुरुआत तब होगी जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे, धार्मिक होंगे, अपने मन को शुद्ध करेंगे और सकारात्मक विचार अपने अंदर लाएंगे, तभी आपके जीवनकाल में बरकत होना भी शुरू होगा। अगर आपने जरा सा भी ईश्वर से भरोसा हटाया, अगर आप थोड़ा सा भी ईश्वर से दूर गए तो आपके जीवनकाल में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि की तरक्की केवल आपकी उन्नति केवल आपको सकारात्मक होने में ही मिलेगा, ईश्वर के चरणों में ही मिलेगा। एक शब्दों में कहें तो जब तक आपकी राशि के ऊपर ईश्वर का कृपा ना हो तब तक आपको सफलताएं मिलना मुश्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ईश्वर में आपको विश्वास रखना है, सत्य का साथ देना है। दोस्तों आपको अवश्य विजय प्राप्त होगा। सत्य का साथ अगर आप देंगे तो दोस्तों आपके आसपास के लोग यह कहते हुए आपको मिलेंगे कि पैसे कमाने के लिए तो गलत गलत रास्ते पर भी चलने पड़ते हैं, लोगों से झूठ भी बोलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों अगर आप उन सभी के बातों में चलेंगे तो आगे चलकर आपको थोड़ा सा तो खुशी मिलेगी, लेकिन इनका जो अंत होगा वो दुखों से भरा रहेगा। और वहीं दोस्तों अगर आपने ईश्वर पर भरोसा किया है, अगर आपने ईश्वर पर यकीन किया है तो आपको सफलताएँ भी मिलेगी और उन सफलताओं का आनंद भी आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को यह बात भी बताना चाहते हैं जो कि आप सभी के राशि की एक काली सच्चाई भी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप दूसरे के बातों में आकर चाहे गलत सलत रास्ते पर कदम उठा भी दें,
लेकिन दोस्तों जो आपकी अंतरात्मा है वह इस बात की कभी गवाही नहीं देगा कि आप गलत रास्ते पर जाए। आपका कदम अंदर ही अंदर पीछे हटने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात का आभास भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ईश्वर ने आपके अंदर जो आत्मा दिया है, आपके अंदर जो धैर्य दिया है, जो शक्ति दिया है दोस्तों, वे सकारात्मक कार्य के लिए है। जी हाँ दोस्तों, वे हमेशा आपको सत्य की राह पर चलने की ओर अग्रसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि अगर आप जाने अनजाने में किसी के बहकाव में गलत कार्यों पर आ जाएंगे तो आपके दिल को यह चीज़ को पता रहेगा कि यह चीज़ गलत है और इनकी सजा भी आपको ईश्वर अवश्य देगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है। थोड़ी बहुत देर लगेगी, कार्यों में अड़चने आएंगे, लेकिन इनका जो अंत होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों ऐसा इनका अंत होने वाला है। बस आपको अपने मन को शुद्ध रखना है और आध्यात्मिक अध्यात्म से आपको जुड़े रहना है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों का जो समय है आपके स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक रहेगा। फिर भी हम आप सभी को यह बात बता दें कि आपको बदलते मौसम के अनुसार सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, यशमी कब्ज से जुड़े रोग आप सभी को हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके उपरांत ही आपको सर्दी जुकाम से भी थोड़ा बचकर रहना होगा। हल्का फुल्का बुखार और कमर में दर्द और पीठ के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा आपको सावधान रहने की यशमी अत्यंत आवश्यकता है। अपने खान पान पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में योग प्राणायाम और अध्यात्म को निश्चित ही आप शामिल करें। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप सकारात्मक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करने वाले हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास भी ऊंचे स्तर पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय आपकी जो भी स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो ग्रहों के गोचर बन रहे हैं, उनके अनुसार आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और किस प्रकार की कार्य नहीं करने चाहिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वह दिव्य शक्ति है जो कि आपके आसपास घूम रही है और आपको अपनी शरण में लेना चाहती है, लेकिन दोस्तों इस बात का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। जब आपको एहसास हो जाएगा तो आप कुछ उपाय करेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे, हम जो आपको बताने वाले हैं। फिर दोस्तों आप देखिए कि आपके जीवनकाल में कौन से चमत्कार होने वाले हैं। आपकी बुरी सी बुरी परिस्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। जो बिगड़ा हुआ काम है वो भी बन जाएगा। जिस पर आपने अपना भरोसा ही हटा दिया है उनमें धीरे धीरे आपकी उम्मीद की नई किरण जागेगी। दोस्तों आपका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जीवन में खुशियाँ ऐसा आएगा जो मानो आप सपना देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवनकाल में यह दिव्य शक्ति अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद बरसा रही है और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इनका आशीर्वाद हमेशा पड़ता रहेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनेगा कि कौन सी बात हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों भक्ति में शक्ति है और क्यों वह आपके आसपास घूम रही है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको इस बात का एहसास तक नहीं है तो दोस्तों वर्ष का जो यह समय चल रहा है, यश में आपकी राशि में कुछ ऐसी दशा बनती है जिसे लाल किताब में दिव्य दशा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में आपको क्या करना चाहिए, यश में आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए। दोस्तों अब एक और खास बात हम आप सभी को बता दें कि जिस इंसान के ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है उस इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान के इस संसार में हर सुख प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुनाई होगा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहला सुख निर्मल काया, दूजा सुख घर में माया, दोनों ही चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। यदि माता अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं तो आपके ऊपर कृपा भी करेंगे और आपको कुछ ऐसे खुशी भी देंगे जो कि आप शिविर के जनकाल में सबसे पहली बार होगा और इन घटनाओं को, इस चमत्कार को आप जीवन भर याद रखेंगे। बस दोस्तों आपका घर का जो रसोई घर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है,
जी हाँ दोस्तों, आप शिवी को बता दें कि आप उसे घर का ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी कार्य उत्पन्न हो रहे हैं वह आपके घर का रसोई घर से ही उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, घर में जो भी लोग हैं आप स्वयं भी, आपको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से। और भोजन कहाँ से तैयार होता है? आपके रसोई घर से। जब आपको अच्छा भोजन प्राप्त होगा, शुद्ध सकारात्मक भोजन आप शिविर के अंदर जाएंगे, तो दोस्तों आप शिविर को बता दें कि आपके सुपाच्य प्रणाली भी अच्छे होंगे और आसानी से वह पचेंगे। भोजन प्राप्त होगा तो आपको अधिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। और दोस्तों, अधिक ऊर्जा के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। जी दोस्तों, उच्च स्तर पर आपके विचार भर जाएंगे। फिर दोस्तों, जो ऊर्जा आपके अंदर आएंगे उनसे आपके कार्य बिल्कुल ही सकारात्मक होंगे, आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, तो भगवान भोलेनाथ भी आपके साथ होंगे। यदि आप माता अन्नपूर्णा का सम्मान करते हैं तो दोस्तों यश में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आप सभी के जन्मकाल में आना निश्चित है। कुछ उनकी पूजा पाठ उपाय करते हैं जो कि आप सभी को यश में अपने जन्मकाल में याद रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, यह छोटी छोटी बात नहीं है। दोस्तों, प्राचीन काल में ही हमारी जो वैदिक परंपरा है उनमें माता अन्नपूर्णा का विशेष ख्याल रखते थे। जी हाँ दोस्तों, और रसोई घर को किसी भी हालत में गंदा और अपवित्र नहीं किया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब के समय बदलते जा रहे हैं, रसोई घर का महत्व देना सबको ही बंद कर दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि लोग खा तो रहे हैं, वैसा बनते नहीं पा रहे हैं जैसा वो बनना चाहते हैं। यानी कि एक भागदौड़ भरा बिल्कुल भी अव्यवस्थित भोजन खा रहा है, वैसा ही उनका जीवन भागदौड़ भरा अव्यवस्थित हो गया है, बेचैनी भरा हो गया है। जी दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर करोड़पति हैं, रुपये पेशे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। नींद की दवाइयाँ खाकर लोग अभी सो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कारण क्या है? क्योंकि बेचैनी भरा भोजन खा रहे हैं। जैसा आहार वैसा ही विहार होगा दोस्तों, जैसा आहार खाएंगे वैसा ही तो जीवन होगा, वैसा ही तो जीवन की परिस्थितियाँ बनते जाएंगी, जीवन भर जाएगा। यही तो हम कहना चाहते हैं कि दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन की जो मूल समस्याएं, मूलभूत परेशानियां हैं, उनकी जड़ पर काम करना है। और जड़ कहाँ है? माता अन्नपूर्णा जो कि रसोई घर में बैठी है, बस वहीं से आपके जीवन में बदलाव का जड़ शुरू होगा और वहीं से आपको कार्य करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ छोटे छोटे उपाय जो कि आपको अपने रसोई घर में करने हैं और दोस्तों हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से आप शिविर के जुनकाल में जो भी मौजूदा परेशानी है वे सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक भी रुपया आपको इनमें नहीं लगता है, आपको बिल्कुल ही आपको मन को स्वात्विक शुद्ध और मन को आपको साफ रखकर बस करना है। लेकिन बदलाव चमत्कारी होते हैं दोस्तों, विश्वास करके देखिए, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप इन उपायों को एक बार करके देखना, आप देखेंगे कि अचानक से ही दूसरे ही दिन आपके घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगेंगे और आपकी आप स्वयं की मानसिकता को देख सकते हैं कि आपकी मानसिकता बदलेगी और आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की अन्नपूर्णा के रूप में पूरी कृपा आप शिविर को प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा कि वह कौन सा बात है जो हम आप शिविर को बताने जा रहे हैं, बहुत ही अहम बात है। जी हाँ दोस्तों, गुप्त उपाय है जो कि आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ नियम बनाने हैं। दोस्तों, घर की महिलाओं को बिना स्नान किए घर की रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत पर। जी हाँ दोस्तों, खुले बालों के साथ घर के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है और घर की जो रसोई घर है उस पर बैठकर भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। साथ ही साथ रात्रि के समय रसोई घर में बिल्कुल भी कोई बर्तन जूठा नहीं रहना है। रसोई घर में अगर आप कोई जूठे बर्तन रखते हैं तो अन्नपूर्णा देवी इनसे रुष्ट हो जाती है। आप अपने घर के रसोई घर को किसी मंदिर से कम मत समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वहाँ स्वयं माता अन्नपूर्णा बैठी हुई है। जी हाँ दोस्तों,
तो आप उसे मंदिर ही समझिएगा। जितना तक कोशिश करें मंदिर से वर्ताव आपको करना है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपका जो रसोई घर है उस रसोई घर में आपको जो भी प्रवेश करता है यानी जिस दरवाजे से प्रवेश करता है उस दरवाजे के ठीक सामने उस दीवार पर आपको माता अन्नपूर्णा की एक तस्वीर लगा देनी है। निश्चित तौर पर संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का बाधा समाप्त हो जाएगी और कोई भी कष्ट हो धीरे धीरे वह खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रहे, जब आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो उससे कुछ देर पहले ही चूल्हे को अच्छे तरीके से साफ कर लें। उसे जल्दी से ना जलाएं, जे तो उसे साफ करें और उसके बाद एक गाय की घी का शुद्ध दीपक उस चूल्हे पर उसके ऊपर जला दें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि वह व्यवस्थित तरीके से जलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माता अन्नपूर्णा को याद करते हुए आपको उसे वहीं जलते हुए छोड़ देना है। घर की जो रसोई है उसे साफ रखना है। माता अन्नपूर्णा का पूरी तरह से स्वागत आपको करना है। और दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार की बाधा हो आपके जीवन में जो आपकी आ रही है, दोस्तों सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। बस दोस्तों इन उपायों को आपको अपने जीवनकाल में करना है, एक बार करके ज़रूर देखना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे कहने पर बस आपको एक बार करना है। अगर आपके जीवनकाल में बदलाव नहीं आए तो दोस्तों हम आज के बाद ही भविष्यवाणी ही करना छोड़ देंगे। दोस्तों एक बात आप सभी को बता दें कि दोस्तों कुछ महिलाएं ऐसे कमेंट करते हैं कि बच्चों का टिफिन सुबह सुबह तैयार करना है, उस समय ना के रसोई घर में जाना संभव नहीं हो पाता। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? दोस्तों जब भी आप जल्दबाजी में हो तो आपको एक काम करना है और यह काम बहुत ही आसान है। जो आपके घर में गंगाजल है, आपके घर में हर किसी के घर में यह अवश्य होता है, गंगाजल इसी समस्या का समाधान होता है जो तुरंत स्वच्छ शुद्धता पवित्रता का जो है दान देता है। जी दोस्तों, बस आपको यूँ करना है कि जब आप जल्दबाजी में हैं तो दो बूंद गंगाजल आपको अपने ऊपर छिड़क लेना है। और दोस्तों बस इतना करने के बाद आपके घर में फिर से माता अन्नपूर्णा उतना ही प्रसन्न होंगी जितना आप नहा के जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बातें आपके जीवनकाल में बहुत ही कारगर साबित होंगी। और दोस्तों जो हमने आपको उपाय बताए हैं दोस्तों बहुत ही शुद्ध सनातनी उपाय हैं, हमारे जीवनकाल में प्राचीन काल से ही चल रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में ये उपाय करते हैं उनके जीवनकाल में सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय।